क्या हाल है, क्या कर रहे हो? ठीक हो? अच्छा, मैं एक आपको नई जगह पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे और काफ़ी अजीब सा लग रहा है, पर ये कॉफिन बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफिन पड़े हैं, यानी कि हम तो यानी कि बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तान में हम अपने मुर्दों को कब्र में दफन करते हैं, एक चादर के अंदर, जिसको कफन कहते हैं। पर ये उसी कफन को कॉफिन कहते हैं, यानी कि तबूत, और वो लकड़ी के डब्बे होते हैं जिनमें ये अपने मुर्दों को दफन करते हैं। और ये यूके में काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है कॉफिन की, अबाउट 20,000 वर्कर यूके में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, लेट्स गो इनसाइड। यहाँ से हम आगे अंदर, और हमेशा अमूमन दो दरवाजे होते हैं सर्दी की वजह से। यहाँ पर एक दूसरा दरवाज़ा है, ये रिसेप्शन एरिया है, और फिर ये है ऑफिस। ये है ऑफिस, यहाँ पर आकर लोग ऑर्डर करते हैं डिफरेंट जितने भी उनको तबूत चाहिए। मोस्टली यहाँ पर B2B है, यहाँ पर शॉपकीपर जाते हैं जो कि तबूत लेके जाते हैं। आप डिफरेंट मार्केट्स में चले जाएंगे तो फ्यूनरल सर्विसेज होती हैं, तो डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि फ्यूनरल सर्विसेज देती हैं अपनी। अगर कोई मर जाए तो उनको कॉल करनी पड़ती है, फिर वो कफन का इंतज़ाम, कब्र का इंतज़ाम सब वो करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर यूके में मुसलमान रहते हैं वो मस्जिद को कॉल करते हैं, और मस्जिद जो है उनको फ्यूनरल सर्विस देती है। इवन के जो लाश है वो कब्रिस्तान तक लेके जानी है, उसके लिए गाड़ी भी वही प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इसमें। डिपेंड करता है कि आपने क्या लेना है। कुछ लोग तो सिंगर्स भी बुलाते हैं अपने फ्यूनरल पर, और फिर सिंगर गाना गाते हैं और उसके बारे में अच्छे अच्छे कि अल्लाह ताला इसको जन्नत में लेके जाए, और वो इस तरह के म्यूज़िक फेस्टिवल होता है टोटल। तो एक डिफरेंट फ्यूनरल का सिस्टम होता है यहाँ पे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, पर अभी तबूत देखते हैं। ये जी आ गई इनकी कैंटीन, यहाँ से पी लेते हैं हम हॉट चॉकलेट। यहाँ से स्टार्ट करो, देन गो फॉर हॉट चॉकलेट, ये 25 पेंस हॉट चॉकलेट, ठीक है स्टार्ट। कब गिनने से निकल आया पूरी हॉट चॉकलेट हो चुकी। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, अच्छी सी कैंटीन दी हुई है कारपेंटर्स को। तो बात मैं ये कर रहा था कि यूके में 20,000 लोग फ्यूनरल इंडस्ट्री से लाग हैं, और ये अबाउट 2 बिलियन पाउंड का बिजनेस है यूके में, और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो चाय निकाल लो। तो कैंटीन से हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर चल के देखते हैं। ये है जो कॉफिन तैयार हैं वो पड़े हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो यहाँ पर डर लग रहा है भाई, अकेले कॉफिन के अंदर से कोई लाश ही ना निकल आए। और ये देखें, ये पूरा उन्होंने सेट किया हुआ है अपना पैनल्स, और सारी मशीन्स पड़ी हैं जहाँ पर वो कॉफिन को तैयार करते हैं। बेसिकली यहाँ पर कारपेंटर्स काम करते हैं जो वेल ट्रेंड है, और देखें ज़बरदस्त है यार, सफाई भी काफ़ी रखी हुई है उन्होंने। तो अभी आज संडे है, फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो वो पीछे अब यहाँ पे अलार्म की एक आवाज़ आ रही है, आई थिंक अलार्म ख़राब है, तो सॉरी अबाउट दैट। बट वो पीछे इनकी पड़ी हुई हैं शीट्स पड़ी हैं, शीट्स ये देखें, ये शीट आती है, ये ओक भी होता है, डिफरेंट किस्म की शीट्स हैं और डिफरेंट किस्म के वुड्स हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्डर आता है, एंड देन फिर उसको इस तरह कटिंग करते हैं डिफरेंट साइज़ में, एंड देन कटिंग करने के बाद इसके ऊपर कोटिंग भी करते हैं। डिफरेंट कलर्स के होते हैं कॉफिन, और शीट्स भी डिफरेंट कलर की हैं, ये देखें। और फिर इस तरह करके एट द एंड ये कॉफिन तैयार होता है, और ये एक कॉफिन जो है वो तकरीबन 200 पाउंड का है, डिपेंड करता है आपने। ये देखें, ये महंगा होगा क्योंकि इसमें ये तीन जो है हैंडल्स लगे हुए हैं, और ये फिर सस्ता होगा। तो अबाउट 200 पाउंड का एक कॉफिन आता है, और अगर आपने उसमें शीशा लगवाना है या जितना भी इसको बेहतर करना है उतना ज़्यादा पे करना पड़ता है। ये देखें, यहाँ पर
जो कॉफ़ी बिल्कुल टोटली तैयार हो चुके हैं वो पड़े हैं, और कलर भी डिफरेंट है। और ये देखें, लोगों ने काफ़ी एडिशंस कराए हैं, जाना ही मिट्टी में है पर फिर भी। और कुछ कॉफिन्स के ऊपर लोगों ने शीशा लगवाते हैं ताकि वो शक्ल देख सकें मैयत की, तो वो एक कॉफिन है। ये देखें, ये तैयार हो रहा है, इसके ऊपर शीशा लगेगा यहाँ पे, ताकि जो लोग भी फ्यूनरल पे आए होंगे वो उसको पूरा देख सकें, खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर कुछ लोग शीशा लगवाते हैं सिर्फ मुंह देखने के लिए। तो ये जो कॉफ़िन है ये सस्ता पड़ेगा, ये इसकी प्राइस अबाउट 150 to 200 है। तो ये सो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस टू कम ओवर हियर। तो ये थी कॉफिन फैक्ट्री जो मैंने आपको विजिट करवाई। इन अदर व्लॉग आई विल टेक यू टू द ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड में जब लोग मर जाते हैं तो क्या एक्सपेंस आता है और क्या खर्चे होते हैं, क्या खराजात होते हैं, वो भी मैं सब आपको बताऊंगा। और इनके कब्रिस्तान बड़े खूबसूरत होते हैं तो वहाँ भी लेके चलूँगा। कब्रिस्तान में ये लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, बकायदा इन्होंने कब्रों के साथ कुर्सियाँ रखी होती हैं, फिर बाइबल रखी होती है, तो वो भी एक मेरे लिए कल्चरल शौक था। तो आई विल शो यू देयर, मुझे क्यूरियोसिटी होती है इन चीज़ों के बारे में जानने में। और तो यहाँ पर आके उम्मीद है कि आपको भी ये देख के अच्छा लगा होगा और आपके लाइक आपने कोई डिफरेंट चीज़ देखी होगी। लाइक ये पाकिस्तान में तो नहीं है कॉफिन की इंडस्ट्री, पाकिस्तान में वैसे क्रिश्चियंस को कॉफिन में ही दफन करते हैं, पर वो कब्रिस्तान के अंदर ही, लाहौर में जेल रोड पे कब्रिस्तान है, आई थिंक वहाँ अंदर ही वो कफन बनाते हैं वो, क्योंकि क्रिश्चियन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है। पर यूरोप में क्योंकि क्रिश्चियंस काफ़ी ज़्यादा हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इवन के लोग अपने आप को एथीस्ट कहते हैं कि हम एथीस्ट हैं, हम क्रिश्चियन नहीं है, पर फिर भी वो कॉफिन में अपने आप को दफन करते हैं। तो इसकी मुझे समझ नहीं आई, यानी कि एथीस्ट को पता होना चाहिए उनको दफन करने की क्या टेक्नोलॉजी है। अब तो लोग ये भी कर रहे हैं कि लोग अपने प्यारों को, यानी कि जब वो मर जाते हैं तो उनके रिमेनिंग्स को शटल्स में स्पेस में भेज रहे हैं। अब लोग ये भी कर रहे हैं कि नया काम शुरू कर दिया लोगों ने। तो उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।